वन सेकेंड बच्चों, लास्ट एक अच्छा सा सम करते हैं, फुल फ्लेज सम है, बड़ा सम है, लेकिन ध्यान से समझते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ समीर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 2016 एंड 2017 कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो। तो आप बोलोगे सर 2016 आप करवाओ तो 17 हम करेंगे, ऐसा आप बोल रहे हो, मैंने सुन लिया बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है, जितना आप करोगे उतना ही आपके लिए क्या होगा बच्चों, अच्छा है। चलो तो पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड है करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, स्टॉक रेशियो, डेटर्स रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। जैसे ये होता है उसके बाद आप आगे चलोगे तो आप बोलोगे सर लायबिलिटी साइड इक्विटी प्रेफरेंस पीएनएल जनरल रिजर्व 12% डिबेंचर बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिटर। आखिरी के तीन लोग है बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिटर, वो जो करंट एसेट में आएंगे लेकिन पूछा हुआ है तो हम करेंगे, वो बात सही है। यहाँ पे आगे चलते हैं मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग बिल्स रिसीवेबल डेटर्स स्टॉक कैश। बिल्स रिसीवेबल डेटर्स स्टॉक कैश ये तीन लोग, मतलब आप बोलोगे सर तीन नहीं चार लोग है, बिल्स रिसीवेबल डेटर्स स्टॉक एंड कैश एंड बैंक वो जो है वो चार लोग करंट एसेट में आएंगे और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 2017 में लिया है। तो जब भी आप ये रेशियो करो कौन सा वाला, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और दूसरा आप बोलोगे सर यहाँ पे वो वाला नहीं दिया कैपिटल एम्प्लॉय, वहाँ पे ध्यान रखना। जैसे ये होता है उसके बाद आपको और एक पेज मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स उसके बाद ओपनिंग स्टॉक एंड आप बोलोगे नेट प्रॉफिट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड। इसका मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, कौन सा टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो बच्चों तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर पहली जो इन्फॉर्मेशन आपको अभी इसमें सम में ही करते, ये आज थोड़ा अलग तरीके से करवाता हूँ, जहां जरूरत पड़ेगी वहां छोटे छोटे कैलकुलेशन करते जाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर पहला जो ढूंढने को बोला है वो जीपी रेशियो है, तो जीपी रेशियो क्या बोल रहा है, जीपी बोल रहा है जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो आप बोलोगे सर जीपी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कैसे मिलेगा, तो आप बोलोगे सर हमारे पास सेल्स है और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, जो सेल्स है बच्चों वो है 328,500 है एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स है 197,100। तो आप बोलोगे सर वो करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 131,400 जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ये आ जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे 131,400 और अपॉन में 328,500 × 100। तो आप बोलोगे सर जो आएगा वो 40% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिया हुआ है तो कोई टेंशन है ही नहीं। तो आप बोलोगे सर नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो दिया हुआ है आपको नीचे, और नीचे दिया हुआ है सेल्स, सेल्स लिखेंगे 328,500 × 100 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप बोलोगे सर कितना लोगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 31,500। तो आप बोलोगे सर ये भी हो गया, तो जैसे ये पॉइंट होगा तो उसमें आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा, करोगे परसेंटेज 9.59% होगा। सेम वे आप बोलोगे सर अभी थर्ड स्टार्ट करते जिसको बोलेंगे करंट रेशियो, तो आप बोलोगे सर करंट रेशियो क्या है, करंट रेशियो आप बोलोगे सर करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में बच्चों कौन कौन लोग आएंगे, तो आप बोलोगे सर करंट एसेट में जो लोग होंगे वो बिल्स रिसीवेबल डेटर, आप बोलोगे सर स्टॉक एंड कैश एंड बैंक, इतने लोग आएंगे। बिल्स रिसीवेबल जो है 5700, डेटर्स जो है वो 60,000, स्टॉक जो है वो 67,500 और यहाँ पे 15,300। सेम वे करंट लायबिलिटी में बच्चों आगे जाएंगे तो उसमें लिखेंगे बिल्स पेबल बीओडी एंड क्रेडिटर्स, तो बिल्स पेबल 27,000 प्लस 9,000 प्लस 13,500। तो आप बोलोगे सर यहाँ तक का क्लियर हुआ, जैसे ये होता है तो टोटल करना शुरू करते हैं, तो आप बोलोगे सर जो है वो आएगा कितना, तो आप बोलोगे सर 1,48,500 एंड 49,000
आप बोलोगे सर 500, तो ये हो जाएगा टोटल। तो आप बोलोगे सर यहाँ वैल्यू पुट कर दे 1,48,500 एंड 49,500, आप करोगे तो यहाँ आंसर आएगा वो 3 आएगा, तो 3:1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर ये भी खत्म, मैंने नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हाँ कर लिया है तो वो तो इश्यू नहीं है। चौथा है यही रेशियो को उन्होंने लिखा हुआ है लिक्विड रेशियो, जिसको आप बोलोगे करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओडी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट एसेट है 1,48,500 एंड स्टॉक जो सब में है 67,500। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो कितना होगा, करंट लायबिलिटी है 49,500 एंड क्रेडिटर है 13,500। तो आप बोलोगे सर यहाँ 000 यहाँ पे करेंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ जो होगा वो 6 और यहाँ पे होगा 36,000 और यहाँ पे जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो करने जाओगे बच्चों यहाँ पे ना मैंने छोटा सा बैंक ओवरड्राफ्ट की जगह क्रेडिटर लिख दिया था तो 9,000 आएगा। तो यहाँ जब टोटल करोगे तो बच्चा यहाँ करेंगे सबसे पहले 9,000 हमने बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ जो लिक्विड है वो 40,500 है और यहाँ पे 81,000 सॉल्व करोगे तो 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 2:1 आंसर आता है आप बोलोगे सर हम इससे आगे जाएंगे, लिक्विड खत्म, स्टॉक रेशियो, स्टॉक रेशियो है तो आप बोलोगे सर ये है फिफ्थ स्टॉक रेशियो जिसको हम बोलते हैं, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे COGS और लिखोगे यहाँ एवरेज इन्वेंट्री इनटू, यहाँ इनटू नहीं आता बच्चों ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल सब में पता है तो आप बोलोगे सर 1,97,100 एवरेज इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं हम एवरेज इन्वेंट्री, तो आप ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो ओपनिंग स्टॉक बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा 63,900 प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो है 67,500 डिवाइड बाय 2। तो आप बोलोगे सर ये जैसे करते हो तो आपका क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे करोगे तो 65,700 एंड यहाँ करोगे तो 65 सीधा लिख देते तो सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा 3 times आएगा, कितना आएगा 3 times। तो ये हो जाएगा, उसके बाद आप स्टॉक खत्म हो जाएगा, उसके बाद डेटर्स रेशियो बच्चों कंपैरेटिवली बहुत ही इजी था ये डेटर्स रेशियो। तो आप बोलोगे सर इसमें क्रेडिट सेल्स की जरूरत पड़ेगी, कोई सब में इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूरा सेल्स क्रेडिट ही होगा, डेटर्स प्लस BR इंटू नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, यहाँ पे लिखोगे क्रेडिट सेल्स। तो डेटर्स आप बोलोगे सर कितना है वो है 60,000 और BR जो दिया हुआ है 15,300 और यहाँ पे आप बोलोगे सर 3,28,500 इंटू नंबर ऑफ डेज के बारे में इंफॉर्मेशन है 365। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो जो आपको क्लियर करना है वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों बिल्स रिसीवेबल की जो अमाउंट है वो कितनी है 5700 है तो होगा 67,500 3,28,500 और आप बोलोगे इंटू 365 सॉल्व करोगे बच्चों तो वो कितना आएगा 73 days 73 days। ये 6 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट में जो दिया हुआ है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, वो 7th पॉइंट है तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू 100 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड। तो आप बोलोगे सर यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें पता है कितना 31,500, प्रेफरेंस डिविडेंड जो बोला जाता है वो ध्यान में रखना है 45,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है
उससे आगे एक परसेंटेज दिया हुआ है जो होगा 4500 एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आप बोलोगे सर इसमें कितना है, तो आप बोलोगे सर उसमें लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे होगा 90,000 प्लस। आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर के बाद है पीएनएल, यहाँ पे लिखता हूँ चलो इक्विटी शेयर कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। जो पीएनएल बच्चों वो 27,000 है एंड आप बोलोगे सर इसके बाद जो 18,000 है वो लिखेंगे। जैसे ये होगा तो अभी आप सॉल्व करोगे तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो कितना होगा 27,000 अपॉन 1,35,000 इनटू 100। बच्चों देखो इसमें शायद से आप आंसर देख पाओ तो 20%, पर इसमें इन लोगों ने माइनस किया है, वो पहले के सम में माइनस करना रह गया था जो बहुत ही सिंपल था। खाली आपको ध्यान रखना है बच्चों जितना ये सम पे प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छी तरह आपको आ जाएगा, एक ही बार में सब आ गया। आई होप बच्चों आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा। अभी हम नेक्स्ट सेशन में जो शुरू करने वाले हैं वो बजट शुरू करने वाले हैं, कैश बजट पे फोकस करेंगे, बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह समझेंगे। ध्यान से समझना, बस ये अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और आपसे मैं एक्सपेक्ट करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, फिर से मिलेंगे। तो अभी आगे बढ़ते, आपको पॉज करके आज शांति से लिखना है तो लिख लीजिए।